नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम तिल मूंगफली की गजक बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी गजक बनेगी। इसे लंबे समय तक रखकर खाया जा सकता है। सर्दियों की खास रेसिपी है, तो आइए गजक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तिल को भूनकर तैयार करेंगे। हमने एक कप तिल ले लिए हैं। कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। पैन में हम तिल डाल देंगे और मीडियम आग पर तिल को लगातार चलाते हुए हल्के से फूलने तक और हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इन्हें भूनेंगे। तिल का हल्का कलर चेंज हो गया है, फूले दिख रहे हैं, तिल भूनकर तैयार हैं। तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं। हमारे तिल 3 मिनट में भूनकर तैयार हो गए हैं। तिल को अलग थाली में निकाल लेंगे ताकि जल्दी से ठंडे भी हो जाएं। अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। 1 छोटी चम्मच घी हम पैन में डाल देंगे, मेल्ट होने देते हैं। और ये हमने बारीक तोड़कर 1 कप गुड़ लिया है, इसे हम पैन में डाल देंगे। धीमी गैस पर हम इसे पकने दे रहे हैं। गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, तब तक हम मूंगफली के दाने और तिल को पीस कर तैयार कर लेते हैं। ये हमने 1 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। इन्हें हम जार में डालकर दरदरा मोटा मोटा पीस लेंगे। ये मूंगफली के दाने हमारे पीस गए हैं, इन्हें हम प्याली में निकाल देंगे। तिल भी ठंडे हो गए हैं। थोड़े से तिल हम इनमें से साबुत बचाएंगे। करीब 1/4 कप तिल हम साबुत बचा लेते हैं और ये तिल हम डालकर एकदम दरदरे पीस लेंगे। बोर्ड पर घी लगाकर चिकना कर लेते हैं। गुड़ मेल्ट हो गया है। थोड़ी सी गैस हम तेज कर लेते हैं। हमने बिल्कुल धीमी गैस पर गुड़ को मेल्ट करने के लिए रखा था, क्योंकि हम ये दूसरे काम भी कर रहे थे। अब हम गुड़ को झाग आने तक थोड़ा और पकाएंगे। हमें अच्छे झाग दिखाई दे रहे हैं गुड़ में। हम गुड़ की चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो हमने एक प्याली में पानी ले लिया है। थोड़ा सा गुड़ टपका कर देखते हैं। गैस धीमी कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी हमारा गुड़ जले ना। ठंडी होने के बाद हम ये चाशनी देखते हैं, तो ये अभी खिंच रही है चाशनी, अभी तैयार नहीं है। थोड़ा सा और पकाते हैं। गुड़ को हम लगातार चलाते हुए पका रहे हैं और गैस धीमी है। इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो पानी में डालेंगे फिर से गुड़ को। ये गुड़ ठंडा होने के बाद टूट रहा है। चाशनी बनकर तैयार है। तो गैस हम बंद कर देते हैं और ये सारी चीज़ें हम चाशनी में डालकर मिलाते हैं। मूंगफली के दाने और तिल, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलने तक मिलाएंगे। हम हल्की सी गैस ऑन कर लेते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये तुरंत जमने लग जाता है। हमने सावधानी के लिए गैस बंद कर दी थी कि नीचे से हमारा मिश्रण जलना नहीं चाहिए। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल चुकी हैं। गजक का मिश्रण तैयार है। गैस बंद करेंगे और मिश्रण को हम बोर्ड पर डालेंगे। तिल जो हमने साबुत बचाए थे वो ऊपर से डाल देंगे। हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, हाथ चिकने कर लेंगे, और बेलन भी हम थोड़ा घी लगाकर चिकना कर लेंगे। इसको हम इस तरीके से इकट्ठा करेंगे। ये गरम गरम में ही किया जाता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये जम जाता है। थोड़े से तिल हम बोर्ड पर भी डाल लेते हैं, तो इसके चारों ओर तिल हम लपेट लेते हैं। इसको हम हाथ से थोड़ा दबा कर बढ़ा देंगे। अब हम इसे बेलन से पतला बेलेंगे। हल्की सी थिकनेस रखेंगे, लगभग 1/3 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर। ये गजक के लिए हमने शीट बनाकर तैयार कर ली। अब हम इसे काट लेते हैं। तो पीसेज अपनी पसंद के अनुसार थोड़े छोटे या थोड़े बड़े किए जा सकते हैं। वैसे ठंडी हो गई है गजक, लेकिन थोड़ा सा और इसे ठंडा होने देते हैं, फिर इसके पीसेस अलग करेंगे। गजक ठंडी हो गई है, क्रिस्प हो गई है जमकर। हम इसे बोर्ड पर से निकाल लेते हैं। तिल मूंगफली की गजक बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी गजक बनी है, बहुत ही क्रिस्पी गजक बनी है और बड़ी आसानी से बन जाती है। लेकिन चाशनी बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है। अगर चाशनी थोड़ी कम पकी है तो गजक सॉफ्ट बनेगी। अगर चाशनी थोड़ी ज़्यादा पक जाए तो उसका स्वाद कड़वा हो जाएगा और गजक का स्वाद भी अच्छा नहीं रहेगा।
थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसे चेक करते हुए बनाएंगे और बहुत अच्छी गजक बनाकर तैयार करेंगे। और गजक को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लें और पूरे 1-2 महीने तक खाते रहें। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।